बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इसमें हमने पार्ट वन कल पर स्टडी किया, आज हम इसका पार्ट टू देखेंगे। और गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस हमने स्टार्ट किया तो इसमें एयर पैसेज वे हमने सबसे पहले पढ़ा, दैट एयर पैसेज वे स्टार्ट फ्रॉम आवर नोज एंड देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। सो स्टूडेंट्स, ट्रैकिया तक हमने कल स्टडी कर लिया था, आज हम ट्रैकिया से आगे पढ़ेंगे कि ट्रैकिया से आगे एयर जो है वो कहाँ कहाँ से पास होके गैसियस एक्सचेंज में शामिल हो जाती है। सो ट्रैकिया, ट्रैकिया से एयर मूव होती होती दो ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो गई है, एंड दीज ट्यूब्स आर नोन एज ब्रोंकाई। क्लियर? सो ब्रोंकाई बेसिकली दीज आर द टू स्मॉलर ट्यूब्स विच आर फॉर्म्ड बाई द ट्रैकिया। इसके बाद ट्रैकिया के बाद जो आपकी ब्रोंकाई है, ये मजीद स्मॉल ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, फाइन ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। सो दीज फाइन ट्यूब्स आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स, इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद मजीद फाइन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं ब्रोंक्यूल्स, एंड दीज फाइन ट्यूब्यूल्स आर नोन एज एल्वियोलर डक्ट्स। ठीक है, इनको हम एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं, एंड दीज एल्वियोलर डक्ट्स ओपन इन टू अ पाउच, इन टू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। पाउच जैसे एक थैला होता है छोटा सा, ठीक है, तो इनका एक क्लस्टर, इनके क्लस्टर्स बने होते हैं। सो दीज क्लस्टर्स आर नोन एज एल्वियोलाई। सो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि एल्वियोलाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोलाई में क्या होता है इसको समझना है कि पल्मोनरी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिलीज़ होती है लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जब आती है तो वो ब्लड में शामिल हो जाती है, और ये इन कैपिलरीज के थ्रू होता है जो कैपिलरीज एल्वियोलाई को सराउंड करती हैं। सो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये वापस हार्ट की तरफ चला जाता है, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। सो गैसियस एक्सचेंज का जो मेन ऑर्गन है, मेन पार्ट है, वो बेसिकली एल्वियोलाई है। सो अगेन, ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन इन टू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस, एंड दीज पाउचेस आर नोन एज एल्वियोलाई। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो है ये एयर पैसेज वे का जो टॉपिक चल रहा था वो एल्वियोलाई पे आके ख़त्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट आवर टॉपिक लंग्स। सो बेसिकली लंग्स की अगर डेफिनेशन करें तो लंग्स आर द ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग्स। ठीक है, हमारे चेस्ट में, हमारे सीने में एक साइड पर जितने भी एल्वियोलाई हैं जब वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो मिल जाते हैं आपस में, सो दे फॉर्म अ लंग। एंड यू नो देर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन आवर बॉडी एंड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी बेसिकली चेस्ट कैविटी को कहते हैं। क्लियर? इसके बाद जो है आपकी रिब्स हैं, हमारी जो रिब्स हैं इनमें जो पसलियाँ होती हैं इनके 12 पेयर्स मौजूद होते हैं, यानी एक साइड पे भी 12 रिब्स होती हैं और दूसरी साइड पे भी 12 रिब्स होती हैं, और रिब्स को जो कवर करने वाले मसल्स होते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। सो इंटरकोस्टल मसल्स कवर द रिब्स। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बेसिकली इनका जो मेन पर्पज़ है वो लंग्स को, और इवन के हार्ट भी होता है अंदर चेस्ट में, तो इन सारे जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना होता है, रिब्स का काम, तो रिब्स की इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ थिक मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज़ प्रेजेंट बिलो द लंग्स। ठीक है, इसका भी पर्पज़ यही होता है क्योंकि लंग्स के बिलो जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम से एक तो लंग्स को सेपरेट रखता है, दूसरा लंग्स को वैसे भी सपोर्ट करता है। सो डायाफ्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको बता दें कि लंग्स जो हैं बेसिकली दो लंग्स हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि दोनों लंग्स का साइज सेम नहीं होता। राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट लंग। अब इसकी क्या वजह होती है? बेसिकली लेफ्ट लंग जो होता है, हमारा जो हार्ट होता है उसका जो ज़्यादा प्रेशर होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है। सो लेफ्ट लंग वहाँ पे एक स्मॉलर ऑर्गन के तौर पर और राइट लंग थोड़े से लार्जर ऑर्गन के तौर पर प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट लंग में टू लोब्स, लोब्स मीन पार्ट्स, एंड राइट लंग्स में थ्री लोब्स होते हैं। इसके अलावा लंग्स हमारे स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इनमें इजीली एयर भर जाती है और इजीली एयर को ये
एक्सपायर भी कर देते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। सो ये भी लंग्स की क्वालिटी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है लंग्स के हवाले से कि लंग्स के सराउंडिंग में टू लेयर्स होती हैं, इन आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। सो इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स का पर्पस क्या होता है? एक तो ये लंग्स को पूरे सराउंड करके लंग्स को कवर करती हैं, और दूसरा पर्पस ये होता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में प्लूरल फ्लूड होता है, जो ये ब्लू कलर से डायग्राम में शो हो रहा है। सो दिस फ्लूड बेसिकली प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी टू द लंग्स एंड इट लुब्रिकेट्स द लंग्स। लुब्रिकेशन क्या होती है कि उसको फ्रिक्शन की वजह से लंग्स को डैमेज नहीं होने देता। सो ये इसका पर्पस होता है प्लूरल मेम्ब्रेन का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लंग्स। सो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विओलर डक्ट्स, लंग्स, ये सारी डेफिनेशंस हैं, डायफ्राम, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और इसके बाद जो है वो आपने फंक्शन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती हैं ये लंग्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। सो ये सारे आंसर जो हैं आपके यहाँ आपकी स्लाइड्स के अंदर भी मौजूद हैं। इसके अलावा आप लोग बुक से जो है पेज नंबर 6 पे इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इतने गैसीय सेक्शन ह्यूमंस का थर्ड टॉपिक करेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए प्रिपेयर होके जो है आइएगा और इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।